स्वागत है बच्चों मेरे चैनल पर। आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट के बारे में। जो हमें बताया गया है कि स्पीड ऑफ लाइट 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। क्या क्या वास्तव में ऐसा है कि स्पीड ऑफ लाइट एग्जैक्ट 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, या इनडायरेक्टली अगर हम कहें कि 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, क्या इतनी है? तो ये फैक्ट आपका गलत है बेटा। आपका 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड एग्जैक्ट स्पीड नहीं है, इसको अप्रोक्सीमेट स्पीड कहा जाता है। तो हमने लिखा हुआ है एक्चुअल स्पीड ऑफ लाइट हमारी कितनी होती है। एक्चुअल स्पीड ऑफ लाइट अगर आप देखो तो बेटा आपका 2997924.58 मीटर पर सेकेंड होती है। ये स्पीड ऑफ लाइट एक्चुअल में होती है एयर में या वैक्यूम में। एग्जैक्ट स्पीड ऑफ लाइट हमारी ये है बेटा, ना कि ये होती है। ये बात याद रखना, क्योंकि थोड़ा सा अब साइंस का ये अजम्पशन है, इसको अप्रोक्सीमेट 2.9 हम लोग लिखा हुआ है, तो इसको हम अगर मीटर पर सेकेंड में करेंगे क्या आएगा बेटा आपका 2.9×10⁸ मीटर पर सेकेंड। और मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यूज हमारी निकल के आती है, ठीक है, याद रखना। तो आज के बाद याद रखना, एग्जैक्ट स्पीड ऑफ लाइट 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड नहीं होती है, या 300,000 किलोमीटर पर आस नहीं पर सेकेंड नहीं होती है। होती कितनी है 2.9×10⁸ मीटर पर सेकेंड, या जिसको कहा जाए बेटा 2997924.58 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।